हजारों संतान आज बॉर्डर पर है, यहां के अनेक संतान हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर में हालात को सामान्य बनाने में मदद की है। वहां आतंक और अलगाव के जख्मा हरियाणा के वीर बेटों ने अपने शरीर पर खाए हैं। अब मत भूलिए, कांग्रेस की कुनीति से निकले पत्थर हरियाणा की संतानों पर फेंके जाते थे। आज जब जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण मतदान होता है तो सबसे अधिक खुशी हरियाणा की वीर माताओं को होती है, लेकिन कांग्रेस और इसके साथियों को जम्मू कश्मीर में शांति पसंद नहीं है। कांग्रेस जम्मू कश्मीर में फिर से धारा 370 आर्टिकल 370 वापस लाना चाहती है। कांग्रेस जम्मू कश्मीर में आतंक और अलगाव को फिर से हवा देना चाहती है। तुष्टिकरण के लिए कांग्रेस देश के दुश्मनों के एजेंडा को भारत में लागू करना चाहती है। ऐसी कांग्रेस को आप हरियाणा के लोग सबक सिखाएंगे, ये मुझे पूरा भरोसा है। आर्टिकल 370 को वापस लाना उन वीरों की कुर्बानी का अपमान होगा जिन्होंने जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। साथियों, कांग्रेस ने दलितों, पिछड़ों और शोषितों के साथ भी धोखा किया। आजकल कांग्रेस के भीतर यहां जो सिर फुटोवल हो रही है, ये पुराने पाकों का ही परिणाम है। याद कीजिए, 2014 से पहले जब यहां कांग्रेस का राज था, जब हुड्डा जी यहां सीएम हुआ करते थे, तब ऐसा कोई साल नहीं था जब दलितों के साथ अन्याय नहीं होता था। अनेक दलितों को जान से हाथ धोना पड़ा, दलित परिवारों की बहु बेटियों पर अत्याचार होते थे। हर कोई जानता था कि दलितों के खिलाफ इस घिनौने खेल को कांग्रेस ही खाद पानी देती है, और जो भी कांग्रेस की दलित विरोधी हरकत के खिलाफ बोलता है, कांग्रेस उसके खिलाफ साजिशें करने लगती है। ये आज हरियाणा का दलित समाज एक बार फिर हरियाणा के अंदर कांग्रेस का जो ड्रामा चल रहा है उसे देख रही है। साथियों, कांग्रेस ने हमेशा ही दलित, ओबीसी और आदिवासियों को भागीदारी से वंचित रखा है। ये तो बाबा साहब अंबेडकर थे जिन्होंने दलितों को आरक्षण दिया, वरना ओबीसी की तरह दलितों को भी अपने हक के लिए कांग्रेस की हार का ही इंतजार करना पड़ता। जब जब कांग्रेस सरकार से दूर रही है, तब तब गरीबों को, एससी एसटी ओबीसी को उनका हक मिला है, और जब जब कांग्रेस सरकार में रही है उसने दलितों, पिछड़ों का हक छीना है। कांग्रेस के शाही परिवार से जो भी प्रधानमंत्री बना उसने हमेशा आरक्षण का विरोध किया है। आरक्षण का विरोध, आरक्षण से नफरत, ये कांग्रेस के डीएनए में है। इसलिए आज भी हम देखते हैं कांग्रेस के शाही खानदान की चौथी पीढ़ी भी आरक्षण को हटाने की बात कर रही है। आपको
कांग्रेस की आरक्षण विरोधी चालों से सावधान रहना है। साथियों, बीजेपी ने दलित, ओबीसी और आदिवासियों को सही मायने में भागीदारी दी है। वंचित और पिछड़े समाज के हर व्यक्ति को भाजपा ने हमेशा आगे बढ़ाया। यहां हरियाणा में देखिए, हमारे नायब सिंह सैनी जी को भाजपा ने सीएम बनाया। इतने कम समय में ही इन्होंने पूरे हरियाणा के लोगों के दिल में जगह बनाई है। आज यहां लोग कहते हैं कि यो नायब सैनी एक किसान मजदूर का बेटा से, इसके किवाड़ लोगा ताई 24 घंटे खुले रवे से। भाइयों और बहनों, कांग्रेस की सरकारों की एक और पहचान है, कांग्रेस सरकार अस्थिरता के लिए भी जानी जाती है। बीते कुछ सालों में ही जहां जहां इनकी सरकारें बनी वहां यही दिखने को मिला है। कांग्रेस शासित हर राज्य में उनके मुख्यमंत्री और मंत्री झगड़ों में उलझे हुए हैं। उनको जनता की तकलीफ, उनके दुख दर्द से कोई लेना देना नहीं है। कर्नाटक में उनके सीएम और डिप्टी सीएम आपसी लड़ाई में बिजी हैं। तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, वहां भी यही कहानी है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी जब उनकी सरकारें थी, पूरा 5 साल नंबर एक नंबर दो एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहे। इसलिए हरियाणा को भी बहुत सावधान रहना है। गलती से भी मेरे शब्द लिख कर देखना भाइयों, हरियाणा का मुझ पे हक है, इसलिए मैं अपनी बात आपके सामने बड़े विश्वास से कह रहा हूं। याद रखना, गलती से भी कांग्रेस आ गई तो अपने झगड़ों में ही हरियाणा को बर्बाद करके छोड़ेंगे। यहां पर कांग्रेस में जिस तरह झगड़े बढ़ रहे हैं, पूरा हरियाणा देख रहा है। कांग्रेस को वोट देना यानी हरियाणा की स्थिरता और विकास को दांव पर लगाना है।